Hey guys, welcome back again on channel. Happy Diwali आपको और आपके पूरे परिवार को होमस्टेड की तरफ से. आप सभी सेफ और बहुत सारी खुशियों के साथ दिवाली मनाइए. गाइज, दिवाली हम हर साल मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दिवाली पे आपको सबसे ज़्यादा मज़े देने वाले फायर क्रैकर्स का आविष्कार कैसे हुआ और किसने किया? अगर नहीं पता है तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर. मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड. सबसे पहले आपको बता दूं कि पटाखों का आविष्कार भारत में नहीं, चीन में हुआ था, और वो भी एक्सीडेंटली. ऐसा माना जाता है कि हान राजवंश के दौरान 206 ईसा पूर्व से 220 ईसा पूर्व के दौरान चीन में पटाखे बनाने का शुरुआत हुई थी, ताकि लोग इसके जरिए बुरी आत्माओं को डरा सके या फिर भगा सके. ऐसा कहा जाता है कि चीन के एक शहर में एक रसोई ने गलती से साल्टपीटर यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट आग पर डाल दिया था, जिसके कारण आग के कलर में चेंज हुआ, जिससे लोगों के अंदर उत्सुकता पैदा हुई. और उसके बाद उस कुक ने आग में कोयले और सल्फर का मिक्सर डाला, जिससे काफी तेजी से आवाज के साथ रंगीन लपटे उठने लगी आग में. भारत सहित अन्य ईस्टर्न कंट्रीज में भी पटाखे बनाने की कला थी. वर्ष 158 में यूरोप में पटाखों का चलन शुरू हुआ था. इटली ने यहाँ सबसे पहले पटाखों का प्रोडक्शन किया था, और वॉर के मैदान में जर्मनी के लोग बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते थे. भारत में फेस्टिवल के दौरान फायरवर्क्स जलाना तो अंग्रेजी शासन काल में ही शुरू हुआ था, लेकिन बारूद के धमाके इससे पहले ही शुरू हो गए थे. मुगल्स ने जब भारत पर हमला किया तो वो अपने साथ बारूद भी लाए थे, और इस बारूद से ही वो बम बनाते थे और सेनाओं पर हमला करते थे. बाद में मुगल्स और कुछ भारतीय राजा अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए डेडली बारूद के बॉम्ब से धमाके करने लगे. आपको बता दूं कि पटाखों के इन्वेंशन में रिवोल्यूशनरी बदलाव बारूद के आने से ही हुआ था, और सन 1270 के बाद बारूद में पटाखों को एक नया स्वरूप दिया. बारूद का इस्तेमाल 1526 में भारत में सबसे पहले काबुल के सुल्तान बाबर ने भारत में हमला करने के दौरान किया था, और ऐसा कहा जाता है कि बाबर की जीत का कारण ही बारूद था. पटाखे की शुरुआत वैसे तो चीन से हुई थी, लेकिन भारत में भी एक ऐसा शहर है जिसे क्रैकर सिटी यानी कि पटाखों का शहर के नाम से जाना जाता है, और वो शहर है शिवकाशी. ये शहर चेन्नई से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. 5 अक्टूबर 2019 को इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इको फ्रेंडली पटाखे लॉन्च किए. डॉक्टर हर्षवर्धन ने नए पटाखों का एक पैकेट लॉन्च किया, और ये इको फ्रेंडली क्रैकर सेम लेवल की लाइट और साउंड इफेक्ट के साथ ही फटते हैं जैसे कि बाकी के ट्रेडिशनल क्रैकर फटते हैं. फायर क्रैकर के कुछ फैक्ट्स की हम बात करें तो सबसे बड़ा फायरवर्क रॉकेट 13 किलो का था, और ये 2010 में पुर्तगाल में प्रोड्यूस और लॉन्च किया गया था. एक रॉकेट 150 मीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकता है, हालांकि एक शेल फायर क्रैकर 200 मीटर तक पहुंच सकता है. पटाखों के इन्वेंशन के हजारों सालों के बाद भी ब्राइट ब्लू कलर के पटाखे बनाना बहुत मुश्किल है, और आज इतने सालों के बाद भी ब्राइट ब्लू फायर क्रैकर्स बनाने के लिए राइट केमिस्ट्री नहीं मिली है, जबकि रेड, ग्रीन, ऑरेंज और व्हाइट फायर क्रैकर्स बनाना बहुत ही आसान है. तो दोस्तों, बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही, और कोशिश करें कि इस दिवाली इको फ्रेंडली पटाखे जलाए, क्योंकि इको फ्रेंडली पटाखे 30-40% तक पोल्यूशन कम करते हैं, और कोशिश करें कि एनिमल्स को हार्म ना पहुंचाए. तो दोस्तों, बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले. मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में. तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, और अपने आजू बाजू सफाई रखने की पूरी कोशिश करें, और ऑनेस्ट बने.